नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मिलेट्स मेनस्ट्रीमिंग इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है पौष्टिक अनाजों मिलेट्स को मुख्य धारा में लाने के लिए एशिया और अफ्रीका में प्रचलित अच्छी प्रथाओं के संकलन तथा आदान प्रदान। तो ये जो है न्यूज है, राइट? अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपीएससी जो मेंस एग्जामिनेशन है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन है, उसमें मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो न्यूज हो गया। अब इस न्यूज को हम कैसे समझेंगे, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो न्यूज है इसका बैकग्राउंड क्या है, राइट? क्या पृष्ठभूमि है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी, राइट? आज जो पूरे विश्व में जो समस्या बनी हुई है वो वैश्विक खाद्य उत्पादन को लेके है, या खाद्य असुरक्षा को लेके है, या फिर कुपोषण को लेके है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पुअर न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की समस्या है। अगला पॉइंट क्या है? किसकी समस्या है? फूड इनसिक्योरिटी की समस्या है, मतलब खाद्य असुरक्षा की समस्या है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन है, उसकी जो सप्लाई है, आपूर्ति है, और उसका जो संवितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक पुअर न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी या खाद्य असुरक्षा की समस्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इश्यू है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है? एक न्यूट्रिशन के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए या फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है? मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जलवायु परिवर्तन है इसका रिस्क है, उसका खतरा है। किस चीज के ऊपर है? न्यूट्रिशन के ऊपर है। और किस चीज के ऊपर है? फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, खाद्य सुरक्षा के ऊपर है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ग्लोबल जो कह सकते हैं वेदर पैटर्न है वो लगातार चेंज हो रहा है, और एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं लगातार, आपने देखा होगा, ड्रॉट हो रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव इश्यू है। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो मौसम के बदलते स्वरूपों के चलते कृषि क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया है। अब जब एग्रीकल्चर पर इसका इंपैक्ट है, राइट, क्या कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज फर्दर poses अ रिस्क ऑफ टू न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, एज एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन क्लाइमेट डिपेंडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कृषि जो है वो लगातार जो है खतरे में है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसके बिगड़ने से जो है अचानक जो एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, ये जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉट हो रहा है लगातार, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि जो फूड है, फूड सिक्योरिटी है या फूड प्रोडक्शन है, उसके संदर्भ में बहुत बड़े हमारे लिए चैलेंजेस हैं। मैंने यहां बताया है कि एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन क्लाइमेट डिपेंडेंट, जलवायु पर निर्भर है। तो इतना बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। अब हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, उसके प्रभाव जो हैं उनको सहन करने की क्षमता, राइट, के कारण जो है आज मिलेट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे भविष्य के क्रॉप्स के लिए। तो हम मिलेट्स के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जो इवेंट्स हो रहे हैं दीज इवेंट्स आर हैम्परिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ मिलियंस ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन स्पेशली स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स. इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मिलेट्स ऑफन टर्म एज न्यूट्री सीरियल्स ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. सो दे आर पॉइज्ड टू बी द क्रॉप ऑफ द फ्यूचर बींग अ क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप. क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बैकग्राउंड में राइट मिलेट्स हमारे फ्यूचर फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. ये पौष्टिक अनाज होते हैं जिसे हम न्यूट्री सीरियल्स कह सकते हैं. आज हमें जरूरत है, चूंकि क्लाइमेट चेंज की का इश्यू है, तो आज हमें जरूरत है क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप. अब इन्हें हम क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें पहली बात तो पानी कम पानी लगता है और ये हीट भी काफी कह सकते हैं कैपेबल होते हैं हीट के लिए, तो इन पे हीट का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, गर्मी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी की कम जरूरत होती है, तो ये इसीलिए हम इसको क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप कह सकते हैं. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, पोषण सुरक्षा, इसमें पोषक ज्यादा तत्व होते हैं राइट. तो ऐसी स्थिति में इसके महत्व को देखते हुए 2023 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को एक अंतरराष्ट्रीय राइट मिलेट्स ईयर के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है. ये मैंने आपको बताया, ये बैकग्राउंड बताया और ये मैंने आपको मिलेट्स का इंपॉर्टेंस समझाया, मैंने आपको महत्व समझाया. इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग और द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम राइट विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अभी ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसे हम कहते हैं द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फूड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मिलेट्स मेनस्ट्रीमिंग इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. तो ये जो नीति आयोग, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसे हम WFP कह सकते हैं, भारत मिलकर MEGP पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसका क्या टारगेट है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि एशिया तथा अफ्रीका में मिलेट्स को मुख्य धारा में लाने के लिए अच्छी प्रथाओं का संकलन और आदान प्रदान करना है. यह पहल अच्छी प्रथाओं और प्रयासों के संकलन में मदद करेगी और साथ ही एशियाई और अफ्रीकन जो विकासशील देश हैं राइट उसमें इसके महत्व को हम समझ सकते हैं. मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इंडियाज लॉन्चिंग द MEGP इनिशिएटिव विच एम्स टू मैप एंड एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मिलेट्स मेनस्ट्रीमिंग इन एशिया एंड अफ्रीका. दिस इनिशिएटिव विल सपोर्ट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स लर्न एंड ऑल्सो प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग अमंगस्ट एशियन एंड अफ्रीकन डेवलपिंग कंट्रीज. सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है. ये एक संक्षेप में इसका सारांश मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ये नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसमें मिलेट्स चूंकि क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप होते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसमें होती है, इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है. और क्यों किया गया है, बिकॉज आज पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या
से जो है रूबरू हो रहा है, और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब खाद्य असुरक्षा और कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बनी हुई है, पोषण एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आपको पता है कि SDG गोल्स है हमारा 2, राइट, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि SDG नंबर 2 है। तो पूरी दुनिया से हमें हंगर को खत्म करना है SDG 2 के अंतर्गत। तो ये जो खाद्य असुरक्षा और जो पोषण का जो मामला है, और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हो रहा है, और एग्रीकल्चर किस तरीके से जो है हमारे जलवायु पर निर्भर करती है, तो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटा जाए और किस तरीके से मिलेट्स को इम्पोर्टेंस देके हम इसको एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को, इसी संदर्भ में ये जो है ये जो कह सकते हैं इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है NEGT, राइट। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो ये बताया है ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।